स्वस्थ। श्रीचंद्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाकाय चित्ते सततं भजेहं वाकाय चित्ते सततं भजेहं। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी के अंतस्थ विराजमान परम पिता परमात्मा को वंदन है। हम लोग बड़े ही सारगर्भित इस आत्मबोध ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और आज 6 सितंबर है। हम लोगों ने पता नहीं कितने जन्म के पाप पुण्य किए होंगे, परंतु कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी जन्म का हमारा पुण्य है जो हम लोग इस सुंदर ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। देखिए, कुछ बातें व्यवहार में सीखनी अति आवश्यक होती है और उनको सीखना भी चाहिए। जैसे हम लोग कठोपनिषद पढ़े थे ना, तो उसमें आया था त्रिभी संधि एत्या, त्रिभी संधि एत्या यानी माता पिता गुरु, ये तीन लोगों की शिक्षा अति अनिवार्य है। जिसके जीवन में माँ की शिक्षा नहीं है उसका जीवन बिल्कुल बिगड़ जाता है। जिसके जीवन में माँ पिता की शिक्षा नहीं है उसका जीवन भी बिगड़ जाता है, और जिसके जीवन में आचार्य की शिक्षा नहीं है उसका जीवन भी बिगड़ जाता है। तो भाई हमको क्या करना चाहिए? करना चाहिए कि जो माँ की सात्विक इच्छा है, जो सात्विक संस्कार हैं, उसको ग्रहण करना चाहिए। पिता के सात्विक अंश को ग्रहण करना चाहिए, आचार्य के सात्विक अंश को ग्रहण करना चाहिए। और एक बात का मैं विशेष करके आज आप लोगों को निवेदन कर दूं, आप घर में रहते हैं और घर में रहते रहते कभी आपने देखा होगा तो आप खाने की वस्तु को एकदम शुद्ध पात्र में पाते हैं। आपका बर्तन बिल्कुल साफ होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपरली उसको बिल्कुल एकदम से क्लीन रखते हैं। वो कई कई लोग आजकल जो चला है ना, एक ट्रेड है कि हाइजीनिक करके बात करते हैं। तो जैसे आप बिल्कुल खाने की वस्तुओं को शुद्ध बर्तन में खाना पसंद करते हैं, या फिर अपने घर को बिल्कुल क्लीन रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, उसी प्रकार थोड़ा सा विचार करें कि हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो मन है, हमारा जो शरीर है, इसमें क्या क्या शुद्धियों की आवश्यकता होती है। सिर्फ महंगे महंगे शैम्पू से नहा लेने से या महंगे महंगे साबुनों से नहा लेने से ये जो अंतःकरण की शुद्धि है वो नहीं होती। अंतःकरण की शुद्धि का एकमात्र साधन है शास्त्र स्वाध्याय, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय, वेदांत आदि वाक्यों का स्वाध्याय। वो स्वाध्याय कैसे होगा आप समझिए, अपने व्यवहार में समझिए कि जिस प्रकार आप किसी गंदे बर्तन में या गंदे घर में रहना पसंद नहीं करते और गंदे बर्तन में खाना पसंद नहीं करते, तो आप ये बताइए कि ये पवित्र जो ज्ञान है, ये पवित्र ज्ञान आपके अंतःकरण में कैसे स्थित होगा। तो क्या समझे आप लोग,
सबसे प्रथम है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। हमारा अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम उस आत्मज्ञान हो, चे तत्वबोध हो, चे वेदांत का कोई स्वाध्याय हो, वो हमारे अंदर स्थिर नहीं रह सकता। हम पढ़ेंगे, 2 मिनट के लिए हमारे माइंड में वो रहेगा, फिर गायब हो जाएगा। तो उसको स्थिर करने का एक मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और ये प्रत्येक के लिए अनिवार्य है। मैं चाहूँगा कि आप अन्य किसी औरों को भी बताएं। अगर जीवन में सुख की आकांक्षा हो, सुख पाना हो, शांति रखनी हो, तो सर्वप्रथम हमारा उठने का नियम होना चाहिए सही। और हमारा उठने का नियम क्या होना चाहिए कि सूर्य उदय होने से पहले पहले हम अपना बिस्तर त्याग दें। बिस्तर से सूर्य उदय होने से पहले पहले उठ जाना चाहिए। और उठते ऐसा नहीं कि उठते लगे हैं फोन उठाया और लगे इधर फोन करने, उधर फोन करने, व्हाट्सएप चैट देखने, किसने मैसेज किया किसने नहीं। ये जीवन भी बहुत गंदा जीवन है, ये जीवन भी अच्छा जीवन नहीं। उठो, उठने के बाद में आराम से बैठो, अपने बिस्तर पे ही बैठो भले, और गुरु महाराज का ध्यान करो, जो आपका इष्ट है उसका ध्यान करो। हल्का सा यानी 5 से 7 मिनट का मेडिटेशन आपके जीवन में उठते ही होना चाहिए। जब आप 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए उस ध्यान में मग्न रहते हैं, ध्यान करते हैं, और उसके बाद धीरे से बिस्तर से उठना चाहिए। और उठने के बाद में जो आपकी नित्य क्रिया है, प्रश्नमंजन आदि करना, उसके बाद जो आपकी क्रिया स्नान आदि करने के बाद में, आप अगर नित्य प्रति पाठ करते हैं किसी चीज़ का या पूजा करते हैं, तो पहले उस कार्य को संपन्न करना चाहिए। उस कार्य को संपन्न करने के बाद में फिर आप, जैसे हम लोगों का ये प्रवचन चलता है, स्वाध्याय चलता है, तो उसको सुनने के लिए एक ऐसी पवित्र जगह होनी चाहिए, या मंदिर हो, या फिर एक अशांत कोना हो जहाँ पर बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे कोई आपको, वहाँ बैठ करके भगवान का ध्यान करते हुए, गुरु महाराज का ध्यान करते हुए, इस वाक्य को, इस वेदांत शास्त्र को, इस आत्मबोध को सुनना चाहिए। तब जाकर के उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। आप पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, और उधर से कान में लगा रखा है कि स्वामी जी का प्रवचन भी चल रहा है, उधर से पिज्जा बर्गर भी खा रहे हैं, उधर से हा हा ही हू भी चल रहा है, तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि ये एक पाप है, और इस पाप से हमेशा बचना चाहिए। जैसे मैंने पूर्व में कहा कि जैसे आप खाने की वस्तुओं को शुद्ध करके खाना चाहते हैं, घर को क्लीन रखना चाहते हैं, उसी प्रकार ये पवित्रता बनी रहे, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। जब तक आपके अंदर ये संस्कार नहीं आएंगे, जब तक आप अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक चर्चा को श्रवण करने के लिए आपको खुद को आध्यात्मिक होना पड़ेगा। आपको शुद्ध, आपको बिल्कुल 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 भी शुद्ध होना पड़ेगा। आप बिल्कुल शुद्धिकरण आपके अंतःकरण का होना चाहिए, तब जाकर के ये चीजें बैठेगी। नहीं तो फिर जैसे गंदे बर्तन में खाना खाने का दुष्परिणाम होता है, या फिर घर को गंदा रखने का दुष्परिणाम होता है, उसी प्रकार इन शास्त्रों का भी दुष्परिणाम होता है। तो इसलिए मैं तो सभी से यही प्रार्थना करूँगा कि मैं जैसे बोला, कहा कि सुबह उठ करके अपनी क्रियाएं यही होने चाहिए, और उसके बाद गुरु महाराज का ध्यान करते हुए इन सब बातों को सुनना चाहिए। तो मेरा ये आज का निवेदन इसलिए था कि वर्तमान की जो स्थिति है ना, बड़ी गंभीर है। इसमें लोग कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। अपने आप को संभालना ही सबसे बड़ा एक कर्तव्य है, और उस कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। तो कल हमने ये चर्चा श्रवण की थी कि जो ज्ञान है ना, ज्ञान, वो ज्ञान आपको निर्मल करके, आपको शुद्ध करके, वो स्वयं ही फिर वो नष्ट हो जाता है। ये बात कल की हमारे 5वें श्लोक में आई थी।
तो आज हम चलते हैं आगे। इसकी भूमिका मैंने आपको बता दी है, उसी का सारांश अभी इस मंत्र में, इस श्लोक में आएगा। संसारा स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुलः स्वकाले सत्यवद् भाति प्रबोध सत्य सद्भवेत्। एक बार पुनः, संसारा स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुलः स्वकाले सत्य सद्भाति प्रबोध सत्य सद्भवेत्। देखिए, यह जो संसार है ना, संसार, ये संसार है राग द्वेषादि से परिपूर्ण। मुझे एक बात बताइए कि संसार से किसी को सुख मिला हो, ऐसा कोई भी आपके पास प्रमाण नहीं है। संसार के है स्वप्न तुल्य है, जो अपने समय में सत्य की भांति प्रतीत होता है, किंतु जब आत्मबोध होने पर वही संसार असत हो जाता है, यानी सत्य का सत्य की तरह प्रतीत नहीं होता है। देखिए, संसार माने होता क्या है? संसार हम किसको कहते हैं? जो उत्पत्ति विनाशशील हो, जिसमें जन्म लेना मरना हो, और प्रतिक्षण मतलब एक एक क्षण में परिवर्तनशील हो, उसी को हम लोग संसार कहते हैं। या यूं समझे कि संसरति इति संसारः, जो प्रतिक्षण सरक रहा हो, उसको हम लोग संसार कहते हैं। और इस संसार में राग द्वेष अभिनिवेश आदि अनेक दोषों से परिपूर्ण सर्वजनित अनुभव सिद्ध है। सब लोग जानते हैं कि इस संसार में राग द्वेष आदि से प्रत्येक मानव भरा पड़ा है, क्योंकि यह संसार अज्ञानियों को अज्ञान काल में सत्य जैसा प्रतीत होता है। जब तक मानव को अज्ञान के कारण इस संसार की सत्यता का पता नहीं चलता, तब तक उसको लगता है कि यही सत्य है, उसको लगता है कि वास्तव में ये सत्य है। कैसे सत्य भाई? फिर भी अगर हम विचार करें तो परमार्थ की दृष्टि से जैसे हम संसार को देखते हैं स्वप्न की तरह। कैसे देखते हैं? मान लो कि आपने स्वप्न अवस्था में कोई ऐसा दृश्य देखा। होता है आप लोगों के जीवन में यह घटना घटित हुई होगी कि स्वप्न में आप कोई ऐसा दृश्य देखते हैं जिसमें आपको महसूस होता है कि बिल्कुल हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सहभागिता निभा रहे हैं, ऐसा लगता है आपको, और आप उसी में खो जाते हैं। और आपको उस समय वो वस्तु जहाँ पर आप घूम रहे होते हैं, जिसका भोग कर रहे होते हैं, वो आपको स्वप्न में सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि उस समय स्वप्न के संसार को बनने तथा बिगड़ने पर हर्ष शोक होते हैं। उस समय आपको अच्छा बुरा लग सकता है, उस समय आप किसी से झगड़ा भी कर सकते हैं, किसी के साथ बुराई भी कर सकते हैं, किसी के साथ अच्छा कार्य कर सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं या फिर अन्य कहीं भी जा सकते हैं। ये स्वप्न में हो रहा है सब। ये कहाँ हो रहा है? स्वप्न में हो रहा है। तो स्वप्न काल में आप उसी को सत्य मानते हो कि हाँ बिल्कुल हम ये जो कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। परंतु जब पुरुष जग जाता है, जब स्वप्न टूटता है, पुरुष जग जाता है, तो स्वप्न के संसार को स्मरण करके हर्ष शोक नहीं करता। मान लो कि स्वप्न में आपने किसी के साथ में झगड़ा किया, परंतु जब आप स्वप्न से जग जाते हैं, स्वप्न आपका टूट जाता है, जब आप चेतनता में आ जाते हैं, तब फिर आप उस स्वप्न की बातों को पुनरावृत्ति नहीं करते, उसको पुनः फिर उसको वैसे हर्ष शोक आदि के चक्कर में नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि स्वप्न दृश्य को वह मिथ्या समझता है। वह मानव, उसको लगता है कि मैं जो स्वप्न में देख रहा था वो मतलब फालतू का संसार था, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। उसी प्रकार
आत्मबोध हो जाने पर अज्ञान काल में प्रतीत होने वाला संपूर्ण संसार उस तत्वज्ञानी की दृष्टि में असत हो जाता है। जब आत्मज्ञान हो जाए तब ये संसार की जितनी भी मोह माया है ना, सब आपको असत नजर आएगी। फिर तो उसके लाभ हानि में उस आत्मज्ञानी पुरुष को हर्ष शोक नहीं होगा। इसी को हम लोग श्रुतियों में पढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है तरति शोकम आत्मवित, तरति शोकम आत्मवित इत्यादि वाक्यों से आत्मज्ञान को शोक उपलक्षित संपूर्ण संसार दुख से छूटने का सर्वोत्तम उपाय बताया है। सभी उपायों में श्रेष्ठ उपाय है आत्मज्ञान। और वह आत्मज्ञान कब मिलेगा, जैसे मैंने पूर्व में भूमिका में बताया ना, वो आपको प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, तब मिलेगा। देखिए, विचारों से आदमी महान होता है, आपके कैसे विचार करते हैं उस पर निर्भर होता है। तो मैं इस माध्यम से निवेदन करता हूँ कि हकीकत और स्वप्न, इन दोनों के भेद को समझना अति आवश्यक है। जो हम स्वप्न में देखते हैं वो सत्य नहीं है, और जो हम उसी प्रकार संसार के जितने भी हर्ष शोक आदि है ना, उनको देखते हैं वो सत्य नहीं है। क्योंकि अगर वो सत्य होता तो जो मरने वाले लोग हैं ना, जो मर के चले गए, वो लोग यहाँ पर विद्यमान रहते और उस सब चीज का भोग करते। जब इस संसार से हमको जाना ही है तब इस संसार में अटके क्यों रहना, हम उस परम लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें जो हमारा ध्येय है। तो आज के प्रकरण में इतना ही है कि स्वप्न रूपी संसार का शोक मोह त्यागते हुए आत्मज्ञानी बने, और आत्मज्ञान जैसे मैंने कहा निरंतर अभ्यास से होगा। इसको ज्ञानाभ्यास भी कह सकते हैं, आत्मज्ञान कह सकते हैं। तो इसलिए सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करें कि हमको गुरुदेव आप आत्मज्ञानी बनाएं। तो आज इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए और आपकी मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।